हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, उन्हें सुने और देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। ये कहानी दो दोस्त की है, एक का नाम अभिषेक और दूसरे का नाम एल्विस था। दोनों एक ही गाँव में रहते थे। उनका गाँव ना ज़्यादा बड़ा था ना सम्पन्न। उनके गाँव के हर परिवार की यही स्थिति थी कि वो दूसरे गाँव में काम करते और शाम को जो उनको दिहाड़ी मिलता उसी से उनका घर चलता था। एल्विस और अभिषेक पढ़ने में बहुत तेज थे, वो अक्सर साथ में ही रहा करते थे। साथ में स्कूल जाना, शाम को नदी के तट पर बैठना, साथ में खेलना। एक दिन वो दोनों जब स्कूल से वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव में एक परिवार में एक की मृत्यु हो गई है। वो बहुत आश्चर्य हुए, ये तो बहुत हष्ट-पुष्ट था, फिर एकदम से इसकी मृत्यु कैसे हो गई। फिर गांव वालों से उनको पता चला कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और गांव में अस्पताल के अभाव और पैसों की कमी से इसकी जान बच नहीं पाई। अभिषेक और एल्विस नदी के तट पर शाम को बैठे, वो दोनों बहुत गंभीर थे और सोच रहे थे कि हम दोनों बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और ऐसे और भी गांव हैं जहाँ पर ना तो अस्पताल है ना उनका गाँव सम्पन्न है, वैसे लोगों की वैसे गाँव की मदद करेंगे। अब उनके जीवन में एक लक्ष्य था, उनका बस एक ही लक्ष्य था कि उन्हें बड़े होकर बहुत अच्छा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। वो दिन रात मन लगाकर पढ़ रहे थे। धीरे धीरे वो 11 क्लास में आ गए। उन्हें ये चिंता सताने लगी, हमारे गांव में ना तो अच्छे स्कूल हैं ना अच्छे टीचर, हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे। ये वही टाइम था जब जियो ने इंटरनेट फ्री किया था। वो दोनों दोस्तों ने पैसा जमा कर एक ही फ़ोन ख़रीदा और इंटरनेट के जरिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। भगवान की दया से दोनों ही बहुत अच्छे नंबरों से पास किए और उन दोनों का एक ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। दोनों बहुत खुश थे कि बचपन से जो हम लोग ने चाहा अब वो पूरा होगा। दोनों अपने गांव से निकले कॉलेज के लिए, उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया। कुछ दिन बाद उनको अपने कॉलेज के सहपाठियों से पता चला कि उनके कॉलेज में भूत और प्रेतों का साया है। उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, अब उनका परीक्षा आने वाला था। वे दोनों सुबह कॉलेज जाते थे और शाम को अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक दिन अभिषेक रात को बोला, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ गार्डन में थोड़ा देर बैठूँगा तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट लगेगा, फिर आके पढ़ूँगा। एल्विस तुम चलोगे क्या? एल्विस ने मना कर दिया, अभिषेक अकेला गया। अब हर रात में अभिषेक रिफ्रेश होने के लिए गार्डन में जाने लगा। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों से एल्विस को अभिषेक के हाव भाव में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे थे। वो जब भी रात को नीचे जाता और एल्विस उस टाइम के बारे में जब अभिषेक से कुछ पूछता, अभिषेक ऐसे बिहेव करता कि जैसे या तो उसे याद नहीं है या फिर वो उसे कुछ बताना नहीं चाहता है। एल्विस को डाउट हुआ कि अभिषेक का हाव भाव आजकल चेंज क्यों हो रहा है। एक दिन एल्विस ने सोचा, आज अभिषेक जब नीचे जाएगा तो मैं इसका पीछा करूँगा और देखता हूँ ये क्या करता है। अभिषेक हर रात की तरह आज भी रिफ्रेश होने के लिए गार्डन जाने के लिए रेडी हुआ। एल्विस धीरे धीरे उसके पीछे पीछे गया। एल्विस एक पेड़ के पीछे छुप गया और देखा कि अभिषेक क्या कर रहा है। अभिषेक गार्डन में गया और एक बेंच में बैठ गया और वो किसी से बात करने लगा, पर वो जिससे बात कर रहा था वो इंसान एल्विस को नहीं दिख रहा था। एल्विस ने अपने आँखें मली और फिर से देखने की कोशिश की, वो देखा कि अभिषेक अकेले ही बातें कर रहा है। एल्विस बहुत शॉक्ड हो गया और डर भी गया कि अभिषेक अकेले किससे बातें कर रहा है। वो वहीं छुपकर खड़ा रहा। देखा थोड़ी देर बाद अभिषेक उस बेंच से उठा और फिर अपने कमरे की तरफ चला। वो अपने कमरे में गया, बेड पे लेट गया। एल्विस ने फिर सुबह पूछा उससे उस रात के बारे में। अभिषेक ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है या फिर कुछ हुआ ही नहीं है। एल्विस को शक हुआ कि कहीं जो मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि इस कॉलेज में भूत प्रेत का साया है, कहीं अभिषेक के ऊपर किसी भूत का साया तो नहीं है। उसे अभिषेक की बहुत चिंता होने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत देर सोचा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, ये सब का इलाज बस तांत्रिक ही कर सकते हैं। एल्विस फिर एक तांत्रिक से मिला और उसने उस तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। तांत्रिक बहुत ध्यान से एल्विस की सारी बातें सुनी और बोला, मैं जब तक अभिषेक से मिलूँगा नहीं कुछ बता नहीं पाऊँगा। मैं कल तुम्हारे कॉलेज में आता हूँ और देखता हूँ कि क्या है माजरा। तांत्रिक अगली सुबह अभिषेक और एल्विस के कमरे में आया। वो अभिषेक को देखा और उसके हाव भाव को
नोटिस करने लगा। अब इसे किसी काम के लिए रूम से बाहर गया। तांत्रिक ने एल्विस को बोला, तुम्हारे दोस्त के ऊपर चुड़ैल का साया है। अभी तक तुम्हारे दोस्त को कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक अमावस्या की रात नहीं आई है। अभी तक चुड़ैल बस उसे अपने बस में रखी है। चुड़ैल को कुछ भी करना होगा तो वो कुछ भी अमावस्या की रात को ही करेगी। तुम उससे पहले मेरे पास अभिषेक को लेकर आ जाओ। एल्विस ने तांत्रिक को बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं आपके पास उसे लेकर आऊँगा। तांत्रिक चले गए। रात में अभिषेक और एल्विस अपनी पढ़ाई कर रहे थे। एल्विस को समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बोले, फिर भी उसने बात को शुरू किया। अभिषेक, क्या तुम तांत्रिक के पास चलोगे? अभिषेक ने बोला, क्यों? बस मेरे लिए प्लीज़। आजकल तुम्हारा स्वभाव कुछ बदल सा गया है, और मैं जब भी तुम्हें कुछ भी पूछता हूँ रात के बारे में, जब तुम गार्डन में जाते हो, तुम्हें उसके बारे में याद नहीं रहता है। अभिषेक बोलता है, पागल हो क्या? कुछ होगा तब तो याद रहेगा। मैं तो जाता हूँ और थोड़ा सा रिफ्रेश होकर आ जाता हूँ। तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो। हम लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और तुम ये सब चीज़ों पे विश्वास रखते हो? एल्विस बोलता है, प्लीज़ मेरे लिए चलो, हम लोग की दोस्ती के लिए चलो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक बार चलो। एल्विस उससे बहुत जिद करने लगा। अभिषेक बोला, ठीक है चलूँगा। नेक्स्ट डे रात को एल्विस और अभिषेक उस तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने आग लगा रखी थी। एक तरफ तांत्रिक बैठा और दूसरी तरफ अभिषेक को बैठाया, और वो अपना मंत्र का उच्चारण करने लगा और अभिषेक के ऊपर भस्म फेंकना शुरू किया। पहले तो अभिषेक चिल्लाया एल्विस को देखकर, ये सब क्या है, क्या है ये सब? एल्विस बोला, प्लीज़ थोड़ी देर वेट करो प्लीज़। अभिषेक शांत हो गया। तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और भस्म अभिषेक के ऊपर फेंक रहे थे। थोड़ी देर में ही अभिषेक के हाव भाव में चेंजेस होने लगे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। एकदम से एक जोर से आवाज़ आई, क्या कर रहे हो ये? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तांत्रिक बोला, मैं अपने मंत्र का उच्चारण तभी बंद करूंगा जब तुम बताओगी कि तुम इस बच्चे के शरीर में क्यों प्रवेश की हो। चुड़ैल चिल्लाने लगी, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक अपने मंत्र का उच्चारण करते रहे और भस्म फेंकते रहे। चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया, वो चिल्लाने लगी, बोली कि रुक जा। तांत्रिक बोला, मैं नहीं रुकूंगा, बता तू इसके शरीर में क्यों प्रवेश की है। चुड़ैल को उस मंत्र से बहुत परेशानी हो रही थी। चुड़ैल ने बताया कि मेरा बेटा इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ के शिक्षक उसके ऊपर बहुत पढ़ाई का प्रेशर डाल रहे थे और यहाँ के बच्चे भी उसे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरा बेटा ये सब झेल नहीं पाया और एक दिन उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। तब से मैं इस इंतज़ार में बैठी हूँ कि कब उसके जैसे शरीर का कोई लड़का यहाँ पर आएगा और मैं उसकी बलि अमावस्या की रात को चढ़ाऊँगी, जिसके बाद मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। तांत्रिक चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर ऐसा होता तो हर कोई अपने प्रियजनों को बचाने के लिए अमावस्या की रात में किसी न किसी की बलि चढ़ा दिया करते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तांत्रिक ने उस चुड़ैल को बहुत समझाया। चुड़ैल बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ऐसा मत बोलिए, मेरे बेटा को मैं फिर कैसे पाऊँगी, मेरा बेटा को मैं कैसे जिंदा कर पाऊँगी। तांत्रिक बोला, तुम्हारा बेटा को मोक्ष प्राप्त हो गया है, वो खुश है। तुम इतने तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि तुमको मोक्ष नहीं मिला है। मैं तुम्हारा पिंडदान करूंगा जिससे तुमको मोक्ष प्राप्त होगी। तुम इस बच्चे को छोड़ दो, तुम इसकी माँ के बारे में सोचो, तुम भी तो एक माँ हो ना। तांत्रिक के बहुत समझाने के बाद चुड़ैल तैयार हो गई अभिषेक के शरीर से बाहर आने के लिए। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तांत्रिक बोला, तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारा पिंडदान करूँगा और पिंडदान होते ही तुम्हें इस पृथ्वी से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपने बेटे से मिल पाओगी। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई और फिर तांत्रिक ने जैसा बोला था उसका पिंड दान किया। चुड़ैल को मुक्ति मिल चुकी थी, वो अपने बेटे से मिली और बहुत खुश हुई। इधर एल्विस भी बहुत खुश हुआ कि अभिषेक के ऊपर से चुड़ैल का साया हट गया था। दोनों ने बहुत मेहनत किया और बहुत बड़े डॉक्टर बने और छोटे छोटे गाँव में जाकर गरीबों का इलाज करते, और उन्होंने अपने गाँव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनवाया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अपने नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।